Hey guys, welcome back to our channel. I hope कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो है पूरा की पूरा न्यूट्रिशन पे, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ 180 से लेके 190 ग्राम तक का प्रोटीन डाइट होगी और उसमें कम से कम 2500 से 2600 तक की कैलोरीज होगी, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ इसमें इंक्लूड रहेगा। तो हर मील में कम से कम 50 से 60 ग्राम प्रोटीन रहेगा और इसको बिगनर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बिगनर्स हो तो मतलब अपने हाइट और वेट के हिसाब से आप प्रोटीन तय कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरा इस डाइट का कम से कम 1-1.5 साल तक मैंने यूज़ किया और मेरा तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। अभी तो फिलहाल मैं थोड़ा बहुत बिजी होता तो मैं प्रॉपर डाइट नहीं ले पाता, लेकिन हाँ ये है कि इस डाइट को अगर आपने फॉलो कर लिया ना, इसमें 110% आपको रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि ये डाइट मैंने पर्सनली काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस किया था और मैंने अपने काफ़ी लोगों को, क्लाइंट्स वगैरह को भी शेयर की थी। हाँ ऑफकोर्स BMR के अकॉर्डिंग करके दी थी, ऐसे नहीं कि मतलब टेप दिया और चलो यूज़ करो। ये मेन डाइट है लीन गेनिंग डाइट। चलिए दोस्तों अब बिना वक्त बर्बाद करें सीधा मिलते हैं किचन में। मैंने 5 एग इसमें बॉईल करने के लिए रख दिया। अगर आपको ये एग बॉईल मशीन चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और बाकी मैं यूज़ करने वाला हूँ 5 एग की भुजी, जिसमें है कि मेरे 2 फुल होए गए और 3 के सिर्फ वाइट होए गए। ये 2 मिर्चें इसलिए भी थोड़ा टेस्ट रहे और अच्छा रहे। और अगर आप चाहते हो कि आप इसमें ऑनियन वगैरह डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप इजीली डालो। बस मैं तो मिर्च डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे मिर्च ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब प्याज वगैरह के चौचले से छोड़ के मिर्च वगैरह सही रहती है। तो चलिए मैं बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आप भी कैसे बना सकते हैं। इसमें सिर्फ थोड़ा सा ऑयल ले गए हम 6 से। सॉल्ट वगैरह, नमक वगैरह आप सब अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैं तो थोड़ा बहुत ही डालता हूँ। और मैं ये यूज़ कर रहा हूँ सिनेमन पाउडर, जो हमारे ब्लड फ्लो वगैरह ये सब और वेंस वगैरह में अच्छे से ब्लड सप्लाई होता है। ये है मेरी फर्स्ट मील, जिसमें है कम से कम 55 ग्राम से लेके 60 ग्राम तक का प्रोटीन, और इसके साथ आप ब्राउन ब्रेड भी ऐड कर सकते हैं अगर 1-2 करना चाहो तो। मैं इसके 3 वाइट खाऊंगा बॉयल एग में और 2 फुल। और ये मैंने मिल्क लिया है कम से कम 200 ml मिल्क है, अगर आप लेना चाहो तो 220 या 300 ml तक मिल्क ले सकते हो। 50 से 60 ग्राम प्रोटीन रहेगा इसका और काफ़ी हेल्दी और काफ़ी एनर्जेटिक डाइट है ये। इसको आप उसके बाद आपको आराम से 2 से 3 घंटे तक इसको खाने के बाद हम भूख ही नहीं लगने वाली। तो अब हम सीधा मिलते हैं सेकंड मील की ओर। अब है मेरी दूसरी मील का टाइम हो चुका है, जिसमें मेरा सबसे ईजी डाइट है ड्राई फ्रूट्स और प्रोटीन साथ में। प्रोटीन आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। इस मील में कम से कम आपको 25 से 30 ग्राम तक का प्रोटीन मिल जाएगा। और ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो मैंने कम से कम 10 से 12 आलमंड्स है और वॉलनट्स वगैरह हैं और दो अखरोट मैंने रखे हुए हैं और 2-3 खजूर। तो इसको आप अपना और किशमिश भी है, इसको आप ब्रेकफास्ट के 2 घंटे के बाद आप इसको खा सकते हो और उसके बाद हम सीधा मिलेंगे अब लंच पे। गाइस अब आ गई हमारी लंच की। तो लंच में मैं रखूँगा 200 ग्राम चिकपीस, इसको मैंने ऑन कर लिया। प्रॉपर कैलकुलेट करके मैं डाइट वगैरह खाता हूँ, मैं बता रहा हूँ। ये हमारे 200 ग्राम चिकपीस। अब उसके साथ मैं रखूँगा ब्राउन राइस कम से कम 200 ग्राम और उसके साथ मेरा कम से कम 300 ग्राम तक का कर्ड होगा, तो वो तो मैंने पहले ही स्टोरेज करके रखे हुए हैं। 200 से 200-250 ग्राम भी आप चिकपीस वगैरह रख सकते हो। और इसमें मैंने ब्राउन राइस कुछ ऐड करी है, वो है प्रॉपर 200 ग्राम। और मैं ये 300 ग्राम का पहले ही मैं जाके अमूल का ये ले आया था गोदई का। और इस डाइट के अंदर कम से कम 36 से 40 ग्राम तक का प्रोटीन है और कम से कम कैलोरीज है इसमें 600 to 700-800 तक। तो इसको आप जरूर ऐड करिए। और ये जो डाइट्स वगैरह जितनी मैं ये वाली डाइट बता रहा हूँ, ये बहुत ही इजी है हर एक लड़के के लिए। और अगर आप मतलब बैचलर है, मैं खुद बैचलर हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत होती है कुकिंग वगैरह करने के लिए। तो मेन है कि मैं कुकिंग से बचना चाहता हूँ, बस मेन मेरा मोटिव ये है, तभी मैंने ये डाइट वगैरह इजिली बॉइल वगैरह करके मैं बनाता हूँ कि मुझे बहुत आसानी रहे। और ये मैंने डाइट कम से कम 1-1.5 साल तक पूरा चलाई है और मुझे कोई इशू नहीं हुआ इस डाइट में ना। इस डाइट को खाने के बाद मैं सीधा 2 घंटे के बाद लेके प्री वर्कआउट मील वगैरह लेके जाऊँगा, जिसमें मतलब 1 केला और कॉफी, वो मैं शायद दिखाऊंगा नहीं क्योंकि मैं जिम में कैरी करके चला जाऊंगा क्योंकि मैं लेट होगा। अभी मैं एक नैप लूंगा, फिर उसके बाद मैं सीधा उठ के जिम में मिलूंगा, फिर उसके बाद देन पोस्ट वर्कआउट मील भी मिलते सीधा। तो फाइनली अभी जस्ट मैं जिम से फ्री होके आया हूँ, तो अब ले रहे हैं पोस्ट वर्कआउट मील, जिसमें है 1 प्रोटीन स्कूप। आप कोई सा भी ले सकते हो, इसमें कम से कम 24 से 25 ग्राम प्रोटीन स्कूप रहेगा। और ये प्रोटीन मैंने सिर्फ 200 ml के अंदर, 200 ml वाटर के अंदर मैंने प्रोटीन लिया। और इसके साथ में लूँगा 1 बनाना, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वगैरह भी बहुत जरूरी होते हैं। या आप वाइट ब्रेड के साथ जैम लगा के भी कर सकते हो, खा सकते हो। तो इसके बाद मिलेगा सीधा हम डिनर में। तो
प्रोटीन लेने के बाद मैं सिर्फ लेता हूँ अपना 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर लेता हूँ फिर मैं पनीर। रो है बिल्कुल, आग अगर आप इसको टेस्टी बनाना चाहो तो आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, थोड़े नमक मिर्च डाल लिया है जैसे भी है, लेकिन हाँ मैं तो सिर्फ रो ही खाता हूँ और मैं काफ़ी सालों से ही खा रहा हूँ। लेकिन यह है कि स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल भी हैबिट नहीं होगी, 1% भी हैबिट नहीं होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको हैबिट होती रहेगी इस चीज़ की। तो यही है, और जो भी होगा डाइट वगैरह मैं आपको सब इसमें मेंशन कर दूंगा कि मतलब क्या क्या है, कितने क्वांटिटी और बाकी सब तो मैंने बता ही दिया। तो ये डाइट आपको जैसे पता है कि लीन गेनिंग की डाइट है और जो भी, और ये इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि जैसे हम बैचलर वगैरह है ना और हम बाहर रहते हैं और हमसे ना कुकिंग वगैरह बिल्कुल भी मन ही नहीं करता, अवॉइड करते हम उसको, तो सबसे बेस्ट ये है कि मतलब होममेड हो या हल्की बहुत कुकिंग कर ली, जैसे वो चिकपीस वगैरह छोले उबाल लिए ये सब भिगो के रख दिया, मूंग की दाल स्प्राउट्स वगैरह, ये भी हम उसको अगली वीडियो में कैप्चर करेंगे, बाकी तो अगली डाइट की वीडियो में। जितना आप ज़्यादा लाइक करोगे उतनी उतनी मैं डेली डेली वीडियो बनाता रहूँगा इस चीज़ के न्यूट्रिशंस के बारे में, डाइट्स के बारे में। तो हाँ, ये डाइट आप इसको फॉलो करें, और मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा होगा, कईयों को लग रहा होगा ये तो बहुत कम है, मतलब डाइट वगैरह प्रोटीन इसमें वैसे 14 से 15 ग्राम प्रोटीन है 100 ग्राम पनीर में। तो ये मैंने गोल्डन का पनीर ले रखा, उसका अभी मेन्यू में डाल दूंगा जब इस साइड में आपको दिखेगा। जब आप इस डाइट को फॉलो करोगे ना आपको मतलब खुद पता लग जाएगा कि यार इतना 100 ग्राम पनीर, अभी आप जैसे कह रहे होगे सिर्फ 100 ग्राम पनीर, लेकिन आप जब इसको फॉलो करोगे ना ये 100 ग्राम पनीर भी ना आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा आपको ये है कि आपको 10-15 दिन के अंदर ना खुद रिजल्ट महसूस होने लगेगा, आपकी स्लीप में आएगा, न्यूट्रिशन में आएगा, एनर्जी में आएगा, और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी जैसे आप ये डाइट फॉलो करोगे। तो एक बार आप ट्राई करना इस डाइट को, और भी काफ़ी सारे क्लाइंट्स वगैरह को भी ये डाइट दी है, मतलब ऑफकोर्स हाँ BMR के अकॉर्डिंग वगैरह ये सब प्रोटीन वगैरह मैनेज करके, तो एक थीम वगैरह होती है जिस हिसाब से वो मैनेज वगैरह करके। अगर आपको न्यूट्रिशन डाइट प्लान चाहिए होगा तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, तो आप उस पर DM कर सकते हैं डाइट के रिगार्डिंग, अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा तो आप अपना उसमें सीधा हाय हेलो नहीं, वेट एज हाइट और क्या पर्पस है ये सिर्फ आप एक मैसेज के साथ आप मुझे भेज सकते हैं कि आपका जो भी गोल है वो अचीव करने में मैं सीधा हेल्प करूँगा। उसके बाद मैं आपको एक एंटरटेन भी कर पाऊंगा, मैं इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज कर 110% मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का था ये मेरा वीडियो, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें, जल्दी मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।